नमस्कार दोस्तों, पैंथर अकेडमी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सारे लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी सफलता के लिए निश्चित रूप से प्रयासरत होंगे। मैं आपका दोस्त दैनिक समसामयिकी की सीरीज लेकर आपके बीच में उपस्थित हूं। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा। आइए डेली की तरह हम लोग सेशन की शुरुआत दो शब्द मोटिवेशनल कोट से करना चाहेंगे। देखिए यहाँ सुंदर सी चार लाइनें दी गई हैं। हौसले के तर्कस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो, हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, फिर भी जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। मतलब आपको अपनी सफलता के लिए हमेशा संकल्प बना के रखना है, संकल्प को विकल्प के रूप में परिवर्तित नहीं होने देना है। इसी क्रम में आप निरंतर प्रयास करेंगे तो यकीन मानिए सफलता आपसे दूर रहने वाली नहीं है। आपसे इतना ही गुजारिश रहेगा कि आप सेशन में शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहे। यह सेशन आपके लिए और परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है और आज का सेशन स्पेशली आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहां पर हम लोग परीक्षाओं से संबंधित बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां सीखने वाले हैं। आइए हम लोग सेशन की शुरुआत करें और देखें महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये सीरीज। देखिए पहला अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न दिया गया है, प्रतिवर्ष विश्व मानवाधिकार दिवस किस दिवस को मनाया जाता है। अगर हम बात करें यहां विकल्प की तो पहला विकल्प 1 दिसंबर, दूसरा 3 दिसंबर, तीसरा 4 दिसंबर और चौथा दिया गया है 10 दिसंबर। यहां जो सही विकल्प होगा विकल्प नंबर डी सही होगा, 10 दिसंबर को, 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहां से आपको ध्यान रखना है कि 10 दिसंबर 1948 को यूएन में मानवाधिकार का घोषणा पत्र प्रस्तुत किया जाता है। इसी आधार पर प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अगर हम बात करें यूएन की तो आप जरूर ध्यान रखेंगे 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना होती है और इसके भाग कितने हैं या इसके अंग कितने हैं, तो इसके 6 अंग हैं और उन्हीं अंगों में से एक मानवाधिकार आयोग भी है और यह अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है इसका, आप ध्यान रखेंगे। और मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं हाल ही में, यह भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आप ध्यान रखेंगे कौन है, बोलकर तुर्क है। कौन है मित्रों? बोलकर तुर्क हैं। और ये किस देश के हैं? ये ऑस्ट्रिया। कौन? ऑस्ट्रिया देश के हैं। ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? वियना। क्या है मित्रों? वियना है। इसी क्रम में अगर हम बात करें तो आजकल की परीक्षाओं में दिवस से संबंधित फैक्ट तो पूछे ही जाते हैं लेकिन इसकी थीम भी पूछी जाती है, तो आप ध्यान रखें कि 2022 का विश्व मानवाधिकार दिवस जो है इसकी थीम क्या है, तो आप ध्यान रखें थीम क्या है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे गरिमा स्वतंत्रता और सभी के लिए न्याय जो है दोस्तों, ये 2022 की मानवाधिकार दिवस की थीम है। इसी क्रम में अगर हम यहां एक महत्वपूर्ण प्रश्न को रिवीजन कर लें, अगर आपसे पूछा जाए 2022 का शांति का नोबेल पुरस्कार, किसका? शांति का नोबेल पुरस्कार कहां से दिया जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे शांति का नोबेल पुरस्कार ही एक ऐसा पुरस्कार है जो कि स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम के अलावा नार्वे की राजधानी ओस्लो से दिया जाता है। कहां से दिया जाता है? नार्वे की राजधानी ओस्लो से दिया जाता है। यहां पर 2022 का किनको दिया गया है, तो यहां दो संस्थाएं हैं। ये संस्थाएं मानवाधिकार के क्षेत्र में कार्य करने वाली हैं, इसी कारण यहां इसकी चर्चा की जा रही है। तो वो कौन कौन सी संस्थाएं हैं, तो ध्यान रखना है आपको पहला जो है वो मेमोरियल है। ये मानवाधिकार आयोग के लिए, मानवाधिकार के संरक्षण के लिए कार्य करता है। ये रूस का है। अगर यही बात करें सेंटर फॉर लिबर्टी जो है ये किसके लिए कार्य करता है, तो ये भी मानवाधिकार के लिए कार्य करता है। ये यूक्रेन का है। कहां का है? यूक्रेन का है। और एलिस बिलियात्स्की हैं, ये कहां के हैं? बेलारूस के हैं। दो संस्थाओं को और एक व्यक्ति को शांति का नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। यह प्रश्न आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, आप याद रखेंगे। इसी क्रम में अगर हम बात करें 1 दिसंबर की, तो
विश्व एड्स दिवस, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष मनाया जाता है 1 दिसंबर को। 3 दिसंबर की बात कर लें तो आप ध्यान रखेंगे विश्व दिव्यांग, दिव्यांग जन, विश्व दिव्यांग जन दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर की बात करें तो राष्ट्रीय नौसेना दिवस, राष्ट्रीय नौसेना, नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ये महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, आप जरूर याद रखेंगे। यहां देखिए विश्व मानवाधिकार दिवस का एक थीम भी दिया गया है, आप ध्यान रखें। अगला हमारा अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, हाल ही में भारतीय मूल की वीणा नायर ने विज्ञान के क्षेत्र में किस देश का पीएम पुरस्कार जीता है? यहां देखिए विकल्प हमारे दिए गए, पहला ऑस्ट्रेलिया, दूसरा ब्रिटेन, तीसरा यूएसए, चौथा इटली। यहां जो सही विकल्प हमारा होगा, विकल्प नंबर ए सही होगा, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा है। क्या है? कैनबरा है। यहां के प्रधानमंत्री कौन है? तो एंथोनी एल्बानीज, एल्बानीज है। और ध्यान रखना है आपको, अगर महाद्वीपों के क्रम में देखा जाए तब सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप 7 महाद्वीपों में सबसे छोटा महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। इसी क्रम में अगर हम प्रश्न को देखें तो यहां पर परीक्षा में 2 प्रश्न प्रश्न के माध्यम से और तैयार हो सकते हैं। जैसे पहला ही भारतीय मूल का महिला का नाम आपको याद रखना है, कौन है? तो ये मीरा नायर है। अगर पूछा जाए किस क्षेत्र में दिया गया है, तो विज्ञान के क्षेत्र में दिया गया है। पुरस्कार का नाम क्या है? तो पीएम पुरस्कार है, जो कि किसे दिया गया है? वीना नायर को दिया गया है। अगर इसी क्रम में हम हाल फिलहाल में चर्चा में ब्रिटेन खूब रहा है, तो आप ध्यान रखेंगे कि ब्रिटेन के 57वें प्रधानमंत्री चुने गए हैं, कौन है? तो भारतीय मूल के ऋषि सुनक। कौन है? ऋषि सुनक है, यह भी ध्यान रखेंगे। और इन्होंने किस ऋषि सुनक हैं, और आप ध्यान रखेंगे कि इनकी पार्टी का क्या नाम है, तो कंजर्वेटिव पार्टी से संबंधित है। अगर हम बात करें यूएसए की, तो आप ध्यान रखेंगे जो वाइडेन जी यहां के राष्ट्रपति हैं। और पहली महिला उपराष्ट्रपति के रूप में कौन है? तो कमला हैरिस। कौन है? कमला हैरिस जो है ये पहली महिला उपराष्ट्रपति के रूप में है। अगर हम इटली की बात करें तो पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो जॉर्जिया मैलोनी है। और यह कहीं ना कहीं प्रश्न बनने वाला है, परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा कि हाल ही में इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री चुनी गई है, उनका नाम क्या है या देश कौन सा है? तो आप दोनों याद रखें, इटली की है और उनका नाम जॉर्जिया मैलोनी है। अगर बात करें पुरस्कारों की, तो आपको ध्यान रखना है सुएला ब्रेबरमैन इनको कौन सा पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित किया गया है? एलिजा वेज द्वितीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सुएला ब्रेबरमैन को। साथ ही साथ अगर पूछा जाए यूनेस्को शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो आप ध्यान रखेंगे एंजेला मार्केल को। अगर यही आपसे पूछ लिया जाए नानसेन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो इसका भी आंसर एंजेला मार्केल होगा। अगर पूछा जाए सखारोह शांति के क्षेत्र में सखारोह पुरस्कार से किसे 2022 को सम्मानित किया गया है, तो यह दिया गया है यूक्रेन की जनता को। किसे? यूक्रेन की जनता को दिया गया है, यह भी ध्यान रखेंगे। लिबर्टी मेडल से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है, तो आप ध्यान रखेंगे इस सम्मान से व्लादिमीर जेलेंस्की जो कि यूक्रेन के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं, इनको सम्मानित किया गया है। ये आपकी परीक्षाओं में कहीं ना कहीं पूछे जाने वाले प्रश्न है, आप इनको जरूर याद रखेंगे। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। अगला है हाल ही में नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखिए विकल्प दिया गया है, पहला गोविंद चिंतालू, दूसरा साजी केवी, तीसरा दिनकर गुप्ता, चौथा विनय मोहन क्वात्रा। यह संस्था अत्यंत महत्वपूर्ण है, चाहे इससे प्रश्न इसका फुल फॉर्म के रूप में या अध्यक्ष के रूप में या इसके गठन से संबंधित प्रश्न लगातार स्टैटिक जीके के रूप में पूछे जाते हैं। अब इसका अगर हम सही आंसर
स्वर देखें तो विकल्प नंबर बी सही है, साजी केवीर जी को नियुक्त किया गया है किस संस्थान के अध्यक्ष के रूप में, नाबार्ड के। अगर पूछा जाए कि इन्होंने किसका स्थान लिया है तो गोविंद चिंतालू जी के स्थान पर साजी केवी जी को नियुक्त किया गया है। जैसा कि हमने कहा अगर नाबार्ड के फुल फॉर्म के रूप में अगर पूछा जाए कि नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है तो देखिए यहां पिक्चर आपको दिया गया है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट जो है यह नाबार्ड का फुल फॉर्म है। अगर हम बात करें इसकी स्थापना की तो सबसे पहले अधिनियम ध्यान रखें कि किस अधिनियम द्वारा, तो 1981 अधिनियम के द्वारा। और स्थापना इसकी कब होती है तो इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 ईस्वी में होता है। और इसका मुख्यालय कहां है तो ध्यान रखेंगे इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। अगर हम बात करें कि गोविंद चिंतालू की जगह पर किसे नियुक्त किया गया है तो साजी केवी को नियुक्त किया गया है जो कि नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। अगर बात करें कृषि के क्षेत्र में सबसे बड़ी ऋणदायी संस्था का नाम क्या है या कौन सी संस्था है तो यह नाबार्ड है। क्या है? नाबार्ड है। इसी का एक प्रोग्राम है आपको ध्यान रखना है, जीवा प्रोग्राम किसका है तो यह नाबार्ड का है। और इसमें जैविक खाद का उपयोग का प्रयोग करना जो है इसका मुख्य उद्देश्य है जीवा प्रोग्राम का। इसी क्रम में आप ध्यान रखें अगर पूछा जाए विश्व का पहला जैविक राज्य कौन सा है तो आप ध्यान रखेंगे सिक्किम राज्य जो है यह विश्व का पहला जैविक राज्य के रूप में चुना गया है, यह भी ध्यान रखना है। अगर हम बात करें यहां कृषि के क्षेत्र में तो हाल ही में कृषि मंत्री के द्वारा एक ऐप प्रारंभ किया गया जिसका नाम क्या है, जागृति। कौन सी ऐप है? जागृति ऐप का संबंध किससे है तो यह केंद्रीय कृषि मंत्रालय की पहल है। और वर्तमान में कृषि मंत्री कौन है तो नरेंद्र सिंह तोमर जी जो हैं ये वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री के रूप में हैं। इसी क्रम में आपको दो योजनाएं और याद रखना है। अगर पूछा जाए कि नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर तो आप ध्यान रखेंगे शिव रमन समिति के सिफारिश पर किसका गठन होता है, नाबार्ड का गठन होता है। इसी आधार पर आप ध्यान रखेंगे कि अगर पूछा जाए नरेगा किस अधिनियम के द्वारा स्थापित किया गया था तो अधिनियम 2005 है। कौन है? अधिनियम 2005 है। और इसे 2 फरवरी 2006 में नरेगा के नाम से प्रारंभ किया गया। लेकिन इसमें ध्यान रखना है आपको 2 अक्टूबर 2009 को इसे मनरेगा के रूप में परिवर्तित कर दिया गया, यह भी कई बार प्रश्न पूछा गया है। आप इतना सारी जानकारियां जरूर याद रखें। इसी क्रम में दो यहां विकल्प अन्य महत्वपूर्ण दिया गया है। अगर पूछा जाए दिनकर गुप्ता के बारे में तो NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, NIA राष्ट्रीय जांच एजेंसी, इसके प्रमुख कौन है वर्तमान में तो दिनकर गुप्ता जी हैं। जबकि विनय मोहन क्वात्रा जी के बारे में नहीं भूलेंगे आप, 36वें विदेश सचिव, भारत के 36वें विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो यह विनय मोहन क्वात्रा जी को नियुक्त किया गया है। इनका कार्यकाल भी बढ़ाया गया है, कब तक? 2024 तक का इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है, आपको यह भी याद रखना है। आइए हम लोग अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को देखें। अगला है, हाल ही में किस भारतीय राज्य में कीर्ति गई दीपम रथ महोत्सव का आयोजन किया गया। अब यहां नाम आप ध्यान रखेंगे कि कीर्ति गई दीपम रथ महोत्सव का संबंध किससे है तो देखिए हमारे विकल्प जो दिए गए हैं, पहला है दोस्तों आंध्र प्रदेश, दूसरा है केरल, तीसरा है तमिलनाडु, चौथा है उड़ीसा। यहां जो सही विकल्प हमारा है या विकल्प नंबर सी सही है, तमिलनाडु। अगर हम बात करें तमिलनाडु की तो इसकी राजधानी क्या है, चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है। और यहां के मुख्यमंत्री कौन है तो एम के स्टालिन जो है यहां के मुख्यमंत्री हैं। साथ ही साथ आर एन रवि जो है यहां के राज्यपाल के रूप में हैं। अगर हम बात करें, पूछा जाता है प्रश्न कि द्रविड़ शैली का उत्कृष्ट नमूना या सबसे अच्छा उदाहरण कौन से राज्यों में देखने को मिलता है, किस राज्य में देखने को मिलता है तो तमिलनाडु राज्य में देखने को मिलता है। और इसका उदाहरण कौन है तो यह मीनाक्षी मंदिर। कौन सा? मीनाक्षी मंदिर है, जो कि कहां स्थित है, तमिलनाडु के मदुरै में। कहां? मदुरै में स्थित है। और मदुरै
किस नदी के तट पर स्थित है, तो वैगई, वैगई नदी के तट पर स्थित है, यह भी कई बार पूछा गया है। यहां देखिए आपका ये जो मंदिर दिख रहा है, ये पिरामिड, पिरामिड आकार में बना हुआ है, और यही जो है पिरामिड आकार ही द्रविड़ शैली की पहचान है, और इसके लिए तमिलनाडु का मीनाक्षी मंदिर उत्कृष्ट उदाहरण है द्रविड़ शैली का। इसी क्रम में पूछा जाता है तमिलनाडु का नृत्य के बारे में, तो आप ध्यान रखें भरतनाट्यम, भरतनाट्यम जो है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का नृत्य है। साथ ही साथ क्लासिकल नृत्य कितने हैं, तो आप ध्यान रखना है क्लासिकल नृत्य जो टोटल है ये कितने हैं, 6 हैं, और क्लासिकल नृत्य कितने हैं, 6 हैं, और भाषाएं कितनी हैं, तो आप ध्यान रखेंगे भाषाएं टोटल 8 हैं, यह भी आपको ध्यान रखना है। हाल ही में तमिलनाडु चर्चा में रहा है, तो आप ध्यान रखेंगे यहां से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जा सकता है, जैसे पूछा जाए डुगोंग संरक्षण केंद्र कहां बनाए जाने की घोषणा की गई है, तो यह भारत का पहला है, यह तमिलनाडु में बनाए जाने की घोषणा की गई है। अगर पूछ लिया जाए लोरिस लेवेंडर अभयारण केंद्र कहां बनाए जाने की घोषणा की गई है, तमिलनाडु में बनाए जाने की घोषणा की गई है। साथ ही साथ आर्द्र भूमियों की संख्या अगर वर्तमान में पूछा जाए भारत में कितनी है, तो 75 है। सबसे ज्यादा 14 आर्द्र भूमियां कहां है, तो ये तमिलनाडु में है, और दूसरे स्थान पे 10 आर्द्र भूमियां उत्तर प्रदेश में है। इसी क्रम में टी मल्टीप्लाई 2 पुरस्कार से किस टाइगर रिजर्व को सम्मानित किया गया है, तो ये सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है, जो कि तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। हाल ही में तमिलनाडु राज्य ने अपना 17वां वन्य जीव अभयारण्य भी घोषित किया है, उसका नाम क्या है, तो आप ध्यान रखेंगे दक्षिण कावेरी, क्या नाम है, दक्षिण कावेरी वन्य अभयारण्य का संबंध किस राज्य से है, तो यह तमिलनाडु से है, यह भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में है। अगर पूछा जाए आंध्र प्रदेश का नृत्य क्या है, तो कुचिपुड़ी जो है यह आंध्र प्रदेश का नृत्य है, और अगर हम बात करें केरल की, तो कथकली जो नृत्य है यह कहां का है, तो यह केरल का है। मोहिनीअट्टम नृत्य कहां संबंधित है, तो केरल से। तमिलनाडु में पोंगल याद रखना है, पोंगल त्योहार, साथ ही साथ जल्लीकट्टू नामक त्योहार का संबंध कहां से है, तो यह तमिलनाडु राज्य से है। उड़ीसा के बारे में ध्यान दें, तो रज पर्व या रजा पर्वा के नाम से, और पुरी रथ यात्रा या जगन्नाथ रथ यात्रा का संबंध कहां से है, तो यह संबंधित है उड़ीसा से। केरल में आपको याद रखना है ओडम, कौन सा ओडम फेस्टिवल है मनाया जाता है, आप ध्यान रखेंगे। आइए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को देखें। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में किसे टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्षा के रूप में नियुक्त किया गया है। देखिए विकल्प अत्यंत महत्वपूर्ण दिए गए हैं, पहला है पीटी उषा, दूसरा है मीराबाई चानू, तीसरा है रेखा शर्मा, चौथा है मेघना अहलावत। यहां जो सही विकल्प हमारा है, विकल्प नंबर डी सही होगा, मेघना अहलावत को टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्षा के रूप में नियुक्त किया गया है। अगर हम बात करें इनका संबंध, तो आप ध्यान रखेंगे हरियाणा के उप मुख्यमंत्री कौन है, तो दुष्यंत चौटाला जी हैं, और इन्हीं की धर्मपत्नी का नाम क्या है, मेघना अहलावत है, और इन्हीं को टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्षा के रूप में नियुक्त किया गया है। अगर बात करें टेबल टेनिस फेडरेशन आप इंडिया की, तो इसकी स्थापना कब होती है, तो आप ध्यान रखेंगे 1926 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। इसका मुख्यालय कहां है, तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। कहां है, नई दिल्ली में है। इसी क्रम में अंतरराष्ट्रीय भी ध्यान रखें, अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस फेडरेशन का स्थापना कब हुआ था, इसका भी 1926 ईस्वी में हुआ था, और इसका मुख्यालय कहां है, तो लुसाने जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है, यहां पर इसका मुख्यालय स्थित है। अब टेबल टेनिस से 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, यह मित्रों अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। लगभग सारी परीक्षाएं, चाहे छोटी परीक्षा हो या बड़ी परीक्षा हो, तो यहां से ग्रैंड स्लैम से 4 जो ग्रैंड स्लैम होते हैं, इनसे क्रम पूछा जाता है, या कौन जीता है यह प्रश्न पूछा जाता है, महिला के रूप में किसने जीता है यह पूछा जाता है, किस देश का खिलाड़ी जीता है यह पूछा जाता है, तो यह अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसको हम यही
निकाल कर लेते हैं जो कि हमारी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब क्रम अगर हम बात करें तो सबसे पहला होता है ऑस्ट्रेलिया ओपन। कौन सा? ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है, ओपन होता है। और इसके 2022 के विजेता कौन रहे हैं? तो राफेल नडाल है। कौन है? राफेल नडाल है। ये किस देश के खिलाड़ी हैं? तो आप ध्यान रखेंगे ये स्पेन, और स्पेन की राजधानी क्या है? मैड्रिड। इसी क्रम में अगर यह पुरुष एकल वर्ग की बात हो रही है और महिला एकल वर्ग की बात में इसने जीता है तो एसले बार्टी, एसले बार्टी ने जीता है। और ये कहां की खिलाड़ी है? ऑस्ट्रेलिया की है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। इसी क्रम में दूसरा क्या होता है? दूसरा जो फ्रेंच ओपन होता है, फ्रेंच ओपन टेनिस का गेम होता है, फ्रेंच ओपन। और इसमें पुरुष वर्ग में एकल में पुनः एक बार राफेल नडाल ने जीता है। और अभी तक सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? तो राफेल नडाल है, यह भी ध्यान रखना है। अगर महिला वर्ग में पूछा जाए तो यहां पर ईगा स्वेटेग ने जीता है, जो कि कहां से संबंधित है? तो ये पोलैंड से संबंधित है। पोलैंड की राजधानी क्या है? वारसा। क्या है? वारसा है। इसी क्रम में तीसरा क्या होता है? विंबलडन होता है। विंबलडन 2022 का खिताब पुरुष वर्ग में किसने जीता है एकल में? तो आप ध्यान रखेंगे यहां नोवाक जोकोविच हैं, जो कि किस देश से खिलाड़ी हैं? ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं। कहां के? सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड है। क्या है? बेलग्रेड है। और महिला वर्ग की अगर यही बात कर ली जाए तो महिला वर्ग में आप ध्यान रखेंगे यहां पर पहली कजाक महिला एरिना रीवाकीना है, जो कि कजाकिस्तान की है। इसी क्रम में लास्ट का कौन सा खेल होता है? तो यूएस ओपन होता है। यह सत्र के लास्ट में होता है। पुरुष वर्ग में किसने जीता है? तो कार्लोस अलकराज ने जीता है। और महिला वर्ग की बात कर ले तो ईगा स्वेटेग ने जीता है। कार्लोस अलकराज किस देश के खिलाड़ी हैं? ये स्पेन के खिलाड़ी हैं। और सबसे कम उम्र में इन्होंने यूएस ओपन का खिताब जीता है, यह भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में है। अगर हम बात करें, यहां अन्य दो विकल्प दिए गए हैं। आपको ध्यान होगा हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्षा नियुक्त की गई है, पहली निर्विरोध। कौन? पीटी उषा को नियुक्त किया गया है। इन्हें उड़न परी के नाम से भी जाना जाता है। अगर बात करें मीराबाई चानू की तो आपको ध्यान रखना है हाल ही में कोलंबिया के बगोटा में जो कि वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप के आयोजन हो रहा था, इसमें सिल्वर पदक किसने प्राप्त किया है? तो ये मीराबाई चानू के द्वारा प्राप्त किया गया है। स्पोर्ट वुमेन बीसीसी स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया है? तो मीराबाई चानू है। साथ ही साथ कॉमनवेल्थ में गोल्ड पदक जीतने वाली कौन रही है वेटलिफ्टिंग में? तो मीराबाई चानू रही है। और टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर पदक जीतने वाली कौन रही है? तो ये मीराबाई चानू रही है। रेखा शर्मा के बारे में बात करें तो आप ध्यान रखेंगे राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा वर्तमान में कौन है? तो ये रेखा शर्मा जी हैं। जबकि अगर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में पूछा जाए, इसका गठन किस अधिनियम के द्वारा? तो 1993 अधिनियम के द्वारा। और वर्तमान में अरुण मिश्रा जी जो हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में हैं। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। हाल ही में चर्चा में रहा नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया का 43वां इंटरनेट सेवा एक्सचेंज किस शहर में स्थापित किया गया? यहां क्रम ध्यान रखेंगे, 43वां इंटरनेट सेवा एक्सचेंज की बात हो रही है। तो विकल्प हमारा दिया गया पहला हैदराबाद, दूसरा दिया गया राजसमंद, तीसरा दिया गया विशाखापट्टनम, चौथा दिया गया मुंबई। यहां जो सही विकल्प हमारा है, विकल्प नंबर सी सही होगा, विशाखापट्टनम। अगर हम बात करें विशाखापट्टनम का, तो यह कहां से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से संबंधित है। और आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती। क्या है मित्रों? अमरावती है। अगर हम बात करें भारत का नवीनतम उच्च न्यायालय कहां बनाया जा रहा है या कौन सा है, तो 25वां है। और यह कहां बनाया जा रहा है? तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में बनाया जा रहा है। बात करें अगर हम इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया की, तो यह 43वां है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इंटरनेट सेवा को
और को और सुविधाजनक बनाना, सुविधाजनक, सुविधाजनक बनाना जो है इसका मुख्य उद्देश्य के रूप में है। अगर आपसे पूछा जाए यहां पर कि महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन है, तो यह आंध्र प्रदेश है। कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। साथ ही साथ यह किस आयोग की सिफारिश पे, तो राज्य पुनर्गठन, राज्य पुनर्गठन आयोग। इसकी स्थापना कब होती है? 1953 में होती है। और इसी का दूसरा नाम फजल अली आयोग के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें शामिल कौन कौन होते हैं, तो ध्यान रखना है फजल अली और के एम पड़ियक्कर और हृदयनाथ कुंजरू, ये तीन लोग शामिल होते हैं। और भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश जो है 1956 में गठित होता है। साथ ही साथ 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया जाता है। कब? 1956 में। यह भी ध्यान रखना है। अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश की, तो आप ध्यान रखेंगे जगन मोहन रेड्डी यहां के मुख्यमंत्री हैं और विश्वभूषण हरिचंद्रन जो है यहां के राज्यपाल के रूप में है। अगर हम बात करें यहां एक महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में, तो हाल ही में आंध्र प्रदेश ने 13 नए जिले का गठन किया है और नया नक्शा जारी किया गया है। यह भी आपको याद रखना है। इसी क्रम में अगर हम हैदराबाद के बारे में देखें, तो वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड से किस भारतीय शहर को चुना गया है, तो यह हैदराबाद को चुना गया है। ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में किसे चुना गया है, तो यह भी हैदराबाद और मुंबई को ग्रीन ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में चुना गया है। अगर हम बात करें हाल ही में जीआई मोस्ट जीआई पॉपुलर टैग किसे दिया गया है, तो हैदराबादी हलीम को दिया गया है। साथ ही साथ अगर हम बात करें हैदराबाद की, तो तेलंगाना की राजधानी क्या है, हैदराबाद है। और आंध्र प्रदेश से ही 2 जून 2014 को अलग होकर 29वें नए राज्य के रूप में गठन किसका हुआ था, तेलंगाना का, जिसकी राजधानी हैदराबाद है। इसी क्रम में मुंबई याद रखेंगे, हाल ही में यहां पर आपको याद रखना है मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। और यहां पर आपको ध्यान रखना है हाल ही में दिव्यांग विभाग बनाए जाने की घोषणा की गई है, और ऐसा करने वाला ये भारत का पहला राज्य होगा। कौन? महाराष्ट्र। आइए इसी क्रम में अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखें। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ करेंसी स्वैप एग्रीमेंट प्रारंभ किया है? यहां देखिए विकल्प हमारे दिए गए, पहला मालदीव, दूसरा श्रीलंका, तीसरा बांग्लादेश, चौथा नेपाल। यहां जो सही विकल्प हमारा है, ये विकल्प नंबर ए सही होगा, मालदीव। मालदीव के बारे में बात करें, तो मालदीव की राजधानी क्या है? माले है। और आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा है, तो एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश मालदीव है। लेकिन अगर विश्व का सबसे छोटा पूछ लिया जाए, तो आपको ध्यान रखना है वेटिकन सिटी है, जो कि कहां से संबंधित है, यह यूरोप महाद्वीप से संबंधित है। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में पूछा गया है, आप याद रखेंगे। मालदीव के राष्ट्रपति कौन है, तो वर्तमान में इब्राहिम सोली जी जो हैं यहां के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। और हाल ही अगस्त माह में भारत दौरे पर आए हुए थे, कौन? मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम सोली। अब यहां हम प्रश्न को देखें, करेंसी स्वैप एग्रीमेंट का उद्देश्य क्या है? अगर दो देश अपना जो व्यापार है, उस व्यापार में जो लेन देन का डॉलर या तीसरे मुद्रा का उपयोग करते हैं, उसी को रोकना इसका मुख्य उद्देश्य है। मतलब कम शब्दों में अगर कहा जाए, तो व्यापार के दौरान तीसरे देश की मुद्रा का प्रचलन नहीं करना, यह करेंसी स्वैप का मुख्य उद्देश्य है। यह आपको ध्यान रखना है। इसी क्रम में आप ध्यान रखेंगे, एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि मालदीप और लक्षद्वीप कितनी डिग्री चैनल से अलग होते हैं, तो लक्षद्वीप और मालदीप जो है ये 8 डिग्री चैनल से अलग होते हैं, यह ध्यान रखना है। इसी क्रम में पूछा जाता है लक्षद्वीप और मिनिकाय कितने डिग्री चैनल से अलग होते हैं, तो ये 9 डिग्री चैनल से अलग होते हैं। साथ ही साथ यहां एक अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है,
अंडमान और निकोबार, अंडमान और निकोबार कितने डिग्री चैनल से अलग होते हैं? तो ये 10 डिग्री चैनल से अंडमान निकोबार अलग होते हैं, जबकि लक्षद्वीप और मालदीव 8 डिग्री से, लक्षद्वीप मिनिकाय 9 डिग्री से अलग होने वाले स्थल के रूप में हैं। अगर हम बात करें यहां अत्यंत महत्वपूर्ण के रूप में, तो भारत और मालदीव के बीच में कौन सा युद्धाभ्यास होता है? तो एक्वेरियन युद्धाभ्यास जो है ये भारत और मालदीव के बीच में आयोजित किया जाता है। इसी में आप संस्था का एक नाम याद रखेंगे, सार्क। सार्क देशों के सदस्य के रूप में क्या मालदीप है? तो आपको ध्यान रखना है, सार्क देशों का स्थापना कब होता है? 1985 ईस्वी में होता है। और इसके मुख्यालय कहां है? तो काठमांडू, काठमांडू में स्थित है, जो कि नेपाल की राजधानी है, यह भी याद रखना है। अगर हम बात करें यहां श्रीलंका की, तो श्रीलंका की राजधानी जयवर्धनेपुरे कोट्टे है। और भारत के द्वारा मित्र शक्ति और स्लाइनेक्स नामक युद्धाभ्यास का आयोजन किया जाता है इस भारत और श्रीलंका के बीच में। और यहां के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हाल ही में नियुक्त किए गए हैं, राष्ट्रपति के रूप में रानिल विक्रम सिंधे और प्रधानमंत्री के रूप में दिनेश गुणवर्धने जी को नियुक्त किया गया है। अगर हम बात करें बांग्लादेश की, तो आपको ध्यान रखना है मैत्री दिवस किस देश की व्यवहारिक प्रगाढ़ता को बनाए रखने के लिए, मजबूत करने के लिए मनाया जाता है? तो बांग्लादेश और भारत के बीच में अपनी प्रगाढ़ता को बनाए रखने के लिए 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में आयोजन किया जाता है। सिलहट सिलचर महोत्सव का आयोजन किसके कारण किया गया है? तो बांग्लादेश और भारत की जो व्यापारिक दृष्टिकोण है उसको और मजबूत करने के लिए सिलहट सिलचर महोत्सव आयोजन किया जाता है। इसी क्रम में बांग्लादेश और भारत के बीच में संप्रीति और बोंगो सागर नामक युद्धाभ्यास होता है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और यहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना है, आपको ध्यान रखना है। अगला नेपाल की राजधानी काठमांडू है। और हाल ही में यहां अंतरराष्ट्रीय चुनाव पर्यवेक्षक के रूप में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार जी को नियुक्त किया गया था। और शेर बहादुर देवा जी की पार्टी को पुनः जीत मिली है, यह भी ध्यान रखना है। और यहां की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी है और प्रधानमंत्री के रूप में शेर बहादुर देवा जी है, यह भी याद रखेंगे। आइए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को देखें। अगला अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है इन्वायरमेंट की दृष्टिकोण से। हाल ही में बायोडायवर्सिटी पर आप 15 का आयोजन कहां किया जा रहा है? देखिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमारा विकल्प दिया गया पहला मिस्र, दूसरा दिया ग्लासगो, तीसरा पनामा सिटी, चौथा दिया गया मॉन्ट्रियल। यहां जो सही विकल्प होगा, विकल्प नंबर डी सही होगा, मॉन्ट्रियल। अगर बात करें मॉन्ट्रियल की, तो मॉन्ट्रियल शहर कहां का है? कनाडा का है। कहां का है? कनाडा का है। कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा। क्या है? कनाडा की राजधानी ओटावा है, आपको याद रखना है। इसी क्रम में अगर हम बात करें बायोडायवर्सिटी, यहां जलवायु परिवर्तन से संबंधित यह है। अगर पूछा जाए कि जलवायु परिवर्तन या बायोडायवर्सिटी का सबसे पहले शब्द का उपयोग किसने किया था, तो वाल्टर जी रोजेन के द्वारा बायोडायवर्सिटी शब्द का सबसे पहले उपयोग किया गया था। अब हाल फिलहाल के दिनों में हम लोगों ने क्वाप से संबंधित 3 प्रश्न पढ़ लिए हैं। अगर उनको हम रिकॉल करें, तो पहला प्रश्न पूछा जाता है COP 27। यहां कॉप का आशय क्या है? तो COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। और जो कि 27 का आयोजन कहां किया गया है, तो ये मिस्र में किया गया है। मिस्र की राजधानी क्या है? काहिरा। क्या है? मिस्र की राजधानी काहिरा है। और 26 का कहां किया गया था? तो ग्लासगो में किया गया था, जो कि स्कॉटलैंड का शहर है। स्कॉटलैंड की राजधानी एडिनबर्ग है। अगर बात करें हाल ही में हम लोगों ने पढ़ा है COP 19, कौन सा COP 19, यहां भी ऐसा इसको समझना है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 19 का आयोजन कहां किया गया है? तो पनामा में किया गया है। और पनामा की राजधानी क्या है? पनामा सिटी है, यह भी आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए यह बायोडायवर्सिटी दिवस कब मनाया जाता है, आप हिंदी में इसे देखें जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रत्येक 22 मई को जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है,
कि विश्व में सबसे अधिक जैव विविधता कहां पाया जाता है? तो आप जरूर इसे याद रखेंगे, अमेजन वन में विश्व में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? बायोडायवर्सिटी या जैव विविधता पाया जाता है। इसी कारण इसे पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इसे पृथ्वी का फेफड़ा के नाम से किसे जाना जाता है? तो अमेजन वन जो है इसे पृथ्वी का फेफड़ा के नाम से जाना जाता है। अगर भारत के बारे में बात की जाए कि भारत में सबसे ज्यादा जैव विविधता कहां पाई जाती है, तो आप ध्यान रखेंगे पश्चिमी घाट। कौन सा? पश्चिमी घाट। इसके नाम अन्य नाम भी हैं, इसे शांत घाटी। अन्य नाम के अगर बात करें तो साइलेंट वैली। कौन? साइलेंट वैली के नाम से भी जाना जाता है। यहां पर भारत में सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में अगर देखें तो 22 मई को हम लोगों ने देखा कि जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल भी ध्यान रखेंगे। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, यह भी महत्वपूर्ण है। अगर बात करें 22 मार्च की, तो आप ध्यान रखेंगे 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये तीनों एक साथ आप याद रखें, अगर पूछा जाए 22 मार्च तो विश्व जल दिवस, 22 अप्रैल पूछा जाए विश्व पृथ्वी दिवस, और 22 मई पूछा जाए तो जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप विगत वर्षों का प्रश्न पत्र उठाकर देखेंगे तो इन्वायरमेंट के क्षेत्र से ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, लगभग पूछे गए हैं। इसी क्रम में एक और प्रोटोकॉल ध्यान रखेंगे, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। यहां ध्यान रखेंगे 16 सितंबर 1987 को कनाडा के मॉन्ट्रियल में एक सम्मेलन होता है जिसे कहा जाता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और यह किस पर आधारित होता है? O3 ओजोन संरक्षण पर आधारित होता है। और ओजोन पाया कहां जाता है? तो आप ध्यान रखेंगे समताप मंडल, या इसी को स्टेटोस्फीयर के नाम से जाना जाता है, ओजोन लेयर यहीं पर पाया जाता है। आइए अगले प्रश्न को देख लें। अगला हमारा है, हाल ही में ऑक्सफैम इंडिया द्वारा जारी किया गया इंडिया इनक्लूसिविटी रिपोर्ट 2022 डिजिटल डिवाइस में सर्वाधिक इंटरनेट पहुंच वाला राज्य कौन है? सबसे पहले यहां हम देखें यह रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है, तो ऑक्सफैम संस्था है, इस संस्था के द्वारा जारी किया गया है। और यह किस आधार पर है डिजिटल डिवाइस में इंटरनेट पहुंच की बात की जा रही है? हमारे विकल्प कौन से हैं? तो पहला विकल्प केरल है, दूसरा तमिलनाडु है, तीसरा गुजरात है, चौथा महाराष्ट्र है। अगर हम बात करें यहां सही हमारा विकल्प कौन होगा, तो विकल्प नंबर डी सही होगा, महाराष्ट्र राज्य में इंटरनेट सुविधा प्रदान करने में भारत में सबसे पहले स्थान पर कौन सा? तो ये महाराष्ट्र राज्य है। अब हमने यहां देख लिया कि इंटरनेट सेवा दोस्तों सर्वाधिक किस राज्य में प्रदान की जा रही है, सुविधा उपलब्ध है, तो ये महाराष्ट्र में है। तो सबसे कम कहां है? तो बिहार राज्य। कहां? बिहार राज्य में सबसे कम इंटरनेट सेवा उपलब्ध है। इसी क्रम में अगर हम बात करें, आपसे पूछा जा सकता है 5G सेवा। कौन सी? 5G सेवा हाल ही में लॉन्च की गई है। कब? 1 अक्टूबर को भारत में लॉन्च किया गया। कहां से? नई दिल्ली से लॉन्च किया गया है। और इसे किसने लॉन्च किया है? तो यह भी ध्यान रखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। अगर बात करें कि कितनी कंपनियों को लाइसेंस प्रदान किया गया है 5G सेवा के लिए, तो आप ध्यान रखेंगे 3 कंपनियां हैं। कौन-कौन हैं? तो पहला आप ध्यान रखेंगे रिलायंस का जियो है, दूसरा आपका एयरटेल है, साथ ही साथ तीसरा वोडाफोन और आइडिया जिनका विलय हुआ है। यह तीसरी इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराने वाली संस्थाओं को लाइसेंस प्रदान किया गया है। इसी क्रम में ध्यान रखेंगे पूछा जा सकता है कि 5G सेवा रिलायंस के द्वारा या जियो के द्वारा सबसे पहले कहां प्रारंभ किया गया है? तो नाथ द्वारा राजसमंद से प्रारंभ किया गया। अब आपको बताना है कि यह नाथ द्वारा राजसमंद कहां से संबंधित है, या राजस्थान से संबंधित है? और यहीं पर आपको ध्यान रखना है, यहीं पर आपको विश्व की सबसे बड़ी भगवान शिव की मूर्ति विश्वास स्वरूपम का अनावरण किया गया है, यह भी आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें केरल की, तो आपको ध्यान रखना है भारत का पहला ऐसा राज्य है जो OTT प्लेटफॉर्म को लॉन्च करने वाला है। कौन? स्वतः का? तो यह केरल राज्य है। अगर तमिलनाडु राज्य के बारे में बात करें, तो आपको जरूर याद
रखना है, तमिलनाडु से हाल ही में 17वां वर्ड सेंचुरी के रूप में किसने अपने राज्य में घोषित किया है, तो तमिलनाडु राज्य के द्वारा घोषित किया गया है। मुख्यमंत्री नाश्ता योजना कहां प्रारंभ किया गया है, तो मुख्यमंत्री नाश्ता योजना तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ किया गया है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 2022 समारोह का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है, तो हमारे विकल्प दिए गए, पहला ग्रेटर नोएडा, दूसरा वाराणसी, तीसरा आपका दिया गया इंदौर, चौथा दिया गया गोवा। यहां जो सही विकल्प है, विकल्प नंबर हमारा बी सही होगा, वाराणसी। कौन सा? वाराणसी। अगर बात करें वाराणसी की, तो यह उत्तर प्रदेश का शहर है, साथ ही साथ इसे घाटों का नगर के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे ये किस मंत्रालय की पहल है, तो ये स्वास्थ्य मंत्रालय की पहल है, यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। और यहां केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है, तो मनसुख मंडाविया जी जो हैं वर्तमान में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के रूप में हैं। और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा, तो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल, आप ध्यान रखेंगे उत्तर प्रदेश की राज्यपाल कौन है, आनंदीबेन पटेल हैं, इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया जाना है। इसी क्रम में आप वाराणसी से कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जो कि आपको याद रखना है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए SCO शंघाई सहयोग कॉरपोरेशन, इसके द्वारा सांस्कृतिक राजधानी के रूप में किस शहर को चुना गया है, तो वाराणसी को चुना गया है। अगर आपसे पूछ लिया जाए भारत माता मंदिर का संबंध किस राज्य से है या कहां से है, तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी से है। अगर पूछ लिया जाए रुद्राक्ष सेंटर का संबंध कहां से है, तो इसका भी संबंध वाराणसी से है। इसी क्रम में आपसे पूछा जाता है कि BHU की स्थापना कब हुई थी, तो 1916 ईस्वी में किसके द्वारा, मदन मोहन मालवीय जी द्वारा किया गया था। अगर आपसे पूछ लिया जाए संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो 1791 ईस्वी में जोनांकन डंकन के द्वारा किया गया, और बाद में इसी का नाम परिवर्तित करके संस्कृत विश्वविद्यालय के रूप में किया गया। अगला आपका यहां से पूछा जा सकता है कि सब्जी अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है, तो यह वाराणसी में स्थित है। काशी विश्वनाथ मंदिर कहां स्थित है, तो यह भी वाराणसी में स्थित है। साथ ही साथ ज्ञानवापी मंदिर जो काफी समय विवादों में रहा है, यह कहां संबंधित है, तो इसका भी संबंध वाराणसी से है। और रोपवे सिस्टम सार्वजनिक सेवा के लिए लागू करने वाला पहला शहर कौन है, तो यह वाराणसी है, याद रखेंगे। अगर बात करें ग्रेटर नोएडा की, तो हाल ही में यहां कौन सा सम्मेलन हुआ है, अंतरराष्ट्रीय डेयरी सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया था, तो ग्रेटर नोएडा में। और आपको याद रखना है राष्ट्रीय विरासत संस्थान की स्थापना कहां की गई है, तो यह भी स्थापना किया जाएगा ग्रेटर नोएडा में। जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का संबंध कहां से है, इसका भी संबंध ग्रेटर नोएडा से है, यह आपको याद रखना है। अगर इंदौर की बात करें, तो आप ध्यान रखेंगे 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन कहां किया जाएगा, तो इंदौर में। और इसके प्रमुख कौन होंगे या इसके मुख्य अतिथि कौन होंगे, तो गुयाना के राष्ट्रपति हैं डॉक्टर इरफान अली हैं, यह भी महत्वपूर्ण है। गोवा के बारे में बात करें, 37वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहां किया जाएगा, तो यह गोवा में किया जाना है, आप ध्यान रखेंगे। यह महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों की सीरीज यहीं समाप्त हो रही है। और आपसे विदा लेने से पहले हम आपसे यही कहना चाहेंगे, अगर चैनल के द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आ रही है, तो आप शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपना और अपने परिवार का खूब ढेर सारा ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।